हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा MCO 1, जो कि MCOM सेकेंड ईयर की सबसे पहली सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। उसका जो चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा, काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। जो हमारा टॉपिक होगा आज का, वो होगा नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसमें हम सबसे जो मेजर टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, क्या था ये हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट और इससे क्या आपका रेजोल्यूशन निकला, क्या फाइंडिंग्स थी, तो सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल मैंने गैदर करा है आपके लिए। और जो चैप्टर 2 है आपका MCO 1 का, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ़ यू मे बी रेडी। सो दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको ना आप ढील मत दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि छोड़ो कोई बात नहीं, बिना पढ़े हो जाएगा काम। नो, इट्स नॉट यू नो ओके फ्रॉम माई एंड। ठीक है, और हमें शायद याद होगा हमारा जो मिशन है वो हमें ध्यान में रखना है, हमें एटलीस्ट 70% अचीव करने हैं इन आर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, एंड वी ऑल्सो हैव टू स्ट्राइव कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किए जाए। ठीक है, इट डज़न्ट मैटर आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में हैं। आप अगर नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसकी वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, न्यो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो उसमें आपकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होती है आपका, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे के अपने पर्टिकुलर इस टॉपिक में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑल्सो रेफर्ड एज द ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट, वॉज बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो गाइज, न्यू क्लासिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है, ये अराइज हुई आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। क्लासिकल थ्योरी क्या थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। इट इज़ मॉडिफाइड, एडेड टू एंड इन सम वेज एक्सटेंडेड क्लासिकल थ्योरी। तो दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी थ्योरी आई थी ऑर्गेनाइजेशन पर, वो आई थी क्लासिकल थ्योरी। फिर उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए, उसमें कई सारे एडिशन किए गए, और इसके बाद एक नई थ्योरी अराइज हुई जिसका नाम दिया गया नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So its basic assumption is that the psychological and social aspects of the worker as an individual and his work group ought to be emphasized. तो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरी में डिफरेंस ये था कि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी आपकी थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसका जो बेसिक अजम्पशन था या बेसिक बुनियाद आप बोल सकते हो, वो था कि जो आपके वर्कर्स होते हैं काम करने वाले एज एन इंडिविजुअल, उनका साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट भी कंसीडर करना एज एन इंडिविजुअल एंड अलॉन्ग विद हिज ग्रुप, उसके ग्रुप के साथ और एक इंडिविजुअल के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं दिया गया, या फिर आपके हायरार्की पर फोकस नहीं था, यहाँ पर जो फोकस और किया गया आपका वो और एक्सटेंडेड हुआ, और यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट था वर्कर्स का, उसको भी कंसीडरेशन में लिया गया। किस में? न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इन क्लासिकल व्यू ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ऑर्डर, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक फैक्टर एंड ऑब्जेक्टिव रेशनैलिटी। तो अगर हम बात करें क्लासिकल व्यू की, तो क्लासिकल व्यू में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेजर फोकस होता था उसके स्ट्रक्चर पर, उसके ऑर्डर पर, उसके फॉर्मल वर्क ग्रुप पर या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर, इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब किस तरह के आपके फिनेंशियल आपको मोटिवेशन दे रहे हैं वो, एंड ऑब्जेक्टिव रेशनैलिटी यानी कि ऑब्जेक्टिव को आप कितना अचीव कर पा रहे हो। तो एंटायर फोकस इज़ ऑन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावा आपका किसी और चीज़ पे फोकस नहीं होता, लाइक आपके वर्कर्स को कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हो, डजंट मैटर,
एट दी एंड जो ऑर्गेनाइजेशन थी क्लासिकल व्यू में वो यही फोकस करती थी कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ अर्निंग प्रॉफिट, इट इज़ अचीव्ड. ओके, नाउ ऑन दी अदर हैंड न्यो क्लासिकल व्यू एम्फसाइज्ड सोशल फैक्टर्स एंड इमोशंस एट वर्क. अब बात करें न्यो क्लासिकल व्यू की एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल व्यू, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ें जो क्लासिकल व्यू में फोकस्ड होती थी उन पर फोकस तो किया ही जाता था. इसके अलावा जो भी सोशल फैक्टर्स होते थे और जो वर्कर्स के इमोशंस होते थे उनको भी कंसिडर किया जाता था वर्किंग कंडीशंस के साथ. ओके, ह्यूमन रिलेशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ जनरल टर्म टू डिस्क्राइब द वेज इन विच मैनेजर्स इंटरैक्ट विद देयर एम्प्लॉयज़. तो ह्यूमन का जो आपस में रिलेशन होना चाहिए, एक ह्यूमनली बिहेवियर जो होना चाहिए अपने वर्कर के साथ, वो भी क्या किया गया आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी में वेल डिफाइंड किया गया. और जो मैनेजर्स थे उनको किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ये भी आपका क्या गया, इसको भी डिस्क्राइब किया गया न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस इज कंटेन्ड इन टू एस्पेक्ट्स. ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन शुड बी व्यूड इन सोशल टर्म्स एज वेल एज in economic and technical terms, and in terms of clinical method it is analogous to the doctor's diagnosis of the human organism. ठीक है, तो अगर बात करें गाइज, ह्यूमन रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को. इफ़ यू टॉक अबाउट, आप देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन अच्छी नहीं है एंड यू नो द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर इज़ प्रिटी गुड विद देयर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी ज़रूरत की सिचुएशन में आपके एम्प्लॉयज़ आपके वर्कर्स आपको सपोर्ट करेंगे हर तरीके से, मोरली इकोनॉमिकली आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा विच विल बी रियली हेल्पफुल इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आर न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, जिसमें जो मेजर फोकस दिया जाता था वो सोशल फैक्टर्स एंड ह्यूमन इमोशंस पे दिया जाता था. ठीक है, और बाकी अदर चीज़ें तो फोकस हम करते ही थे उनके साथ. तो चलिए अब अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डायग्राम्स के थ्रू हम समझ लेते हैं, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं क्लासिकल थ्योरी और आपके न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में. तो क्लासिकल थ्योरी जो थी हमारी वो क्या करती थी, इट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर. ये फोकस करती थी हमारे स्ट्रक्चर और ऑर्डर पर. इसके अलावा इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर भी फोकस करती है ये, और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर फोकस करती है और ऑब्जेक्टिव रेशनैलिटी पर. ठीक है, तो क्लासिकल जो थ्योरी है वो किस किस पे फोकस करती है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर पर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर, नंबर थर्ड इज इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, एंड नंबर फोर्थ इज ऑब्जेक्टिव रेशनैलिटी पर. ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्लासिकल थ्योरी के जो पर्टिकुलर फोकस हैं वो किस किस पर हैं. वंस अगेन आई विल रिपीट एंड इट्स द लास्ट टाइम व्हेन आई एम डूइंग इट, क्लासिकल थ्योरी के हमारे बेसिकली जो फोकस होते हैं वो आपके चार चीज़ों पर हैं, स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर पर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर, इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, और चौथा है ऑब्जेक्टिव रेशनैलिटी पर. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक पर, उसको भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. ओके, नाउ अब बात करेंगे हम न्यू क्लासिकल थ्योरी की, तो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या है, आपकी अजम्पशन, तो सबसे पहले आप राइट साइड देखिएगा, आपका जो डाउन में लिखा है उसको हम बाद में फोकस करेंगे. तो न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है वो बेस्ड है एक अजम्पशन पर, और वो अजम्पशन क्या है कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट, जो भी साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक और आपके जो भी सोसाइटल एस्पेक्ट हैं यानी कि सोसाइटी के एस्पेक्ट हैं ऑफ द वर्कर्स एज एन इंडिविजुअल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट वर्क. ठीक है, तो न्यू क्लासिकल थ्योरी आपकी एक अजम्पशन पर बेस्ड है कि जितने भी आपके साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट होते हैं वर्कर के एज एन इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. ठीक है, और नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो उसके नीचे का एरो है, आप देखिएगा लेफ्ट साइड में, न्यू क्लासिकल थ्योरी एम्फसाइज ऑन सोशल फैक्टर्स एंड इमोशंस एट वर्क. तो जो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन की, उसका जो मेजर फोकस होता है वो होता है सोशल फैक्टर्स पर और बाकी ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन रिलेशंस एट वर्क. ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस होता है साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स पर वर्क के, एंड वी ऑल्सो फोकस ऑन सोशल फैक्टर्स एंड इमोशन, ह्यूमन इमोशंस एज वेल. ठीक है,
आई एम श्योर आपको न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी दोनों समझ में आ गई होंगी। नाउ अब हम बात करेंगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब हम आगे इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो क्यों हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि जो हमने अभी न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसको साइंटिफिकली प्रूफ किया गया इस हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो दैट्स द रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हुई वो जो लोग देखिए, आप सबने साइंस तो पढ़ी होगी आपकी 8th 9th 10th तक, तो आपने देखा होगा वहाँ पर अगर कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करने दिया जाता है तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से आपका किया हुआ होता है। तो आप क्या करते हो, उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हो। तो जो हमारा हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट है वो क्या था? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन था आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ स्लाइड्स भी आगे प्रिपेयर की हुई हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, जिससे आपको पता रहे कि क्या था ये, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और स्लाइड्स भी आपको फिर बेटर अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, तो आई होप यू विल सपोर्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ द हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट सेज द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट ग्रू आउट ऑफ फेमस सीरीज ऑफ स्टडीज कंडक्टेड एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी फ्रॉम 1924 टू 1933। तो दोस्तों जो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया गया था वो किया गया था वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, और ये एक्सपेरिमेंट लगभग आपका 1924 से 1933 तक चला था। तो दीज इवेंचुअली बिकेम नोन एज द हॉथोर्न स्टडीज, और इसको आपका जाना जाता है हॉथोर्न स्टडीज के नाम से, बिकॉज मेनी ऑफ देम वर परफॉर्म्ड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स हॉथोर्न प्लांट नियर शिकागो। तो ये किया गया था एक्सपेरिमेंट एक कंपनी जिसका नाम था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, और जो प्लांट था जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे वो था हॉथोर्न प्लांट। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट। और जो ये हॉथोर्न प्लांट था, ये ध्यान रखिएगा, ये था आपका शिकागो के पास। शिकागो इज़ अ प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, the Hawthorne studies began as an attempt to investigate the relationship between the level of lighting in the workplace and worker productivity. तो जो इनिशियल फेज थी या सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया हॉथोर्न स्टडीज़ का, वो किया गया आपका लाइटिंग के इफ़ेक्ट को लेकर। यानी कि बेसिकली कोशिश की गई चेक करने की कि अगर आपकी लाइटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं आपके वर्कर्स को, तो उसका प्रोडक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपका यही किया गया लाइटिंग के ऊपर। ठीक है, एंड नाउ इन सम ऑफ द अर्ली स्टडीज़ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक रिसर्चर्स डिवाइडेड द एम्प्लॉयज़ इनटू टेस्ट ग्रुप्स who were subjected to deliberate changes in lighting and control groups whose lighting remained constant throughout the experiments. तो हमारा जो ये पहला एक्सपेरिमेंट था, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो ग्रुप था हमारा एम्प्लॉयज़ का, उसको आपका दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट था टेस्ट ग्रुप, ठीक है, जिनकी लाइटिंग कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा चेंज किए गए, बढ़ाई गई, कम करी गई। और दूसरा था हमारा कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, जिनकी लाइटिंग फैसिलिटी कॉन्स्टेंट रहने दी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो दो ग्रुप हुए हमारे, एक टेस्ट ग्रुप जिनकी लाइटिंग फैसिलिटीज़ या कंडीशंस चेंज की गई, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप जिनकी लाइटिंग फैसिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, ओके, नाउ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट वर एम्बिगुअस। अगर बात करें तो रिजल्ट बड़े अजीबोगरीब निकले दोस्तों। अब क्या हुआ, लेट्स टॉक अबाउट अगेन। व्हेन द टेस्ट ग्रुप्स लाइटिंग वाज इम्प्रूव्ड, प्रोडक्टिविटी टेंडेड टू इंक्रीज ऑल्दो इरेटिकली। तो जो टेस्ट ग्रुप था जिनकी लाइटिंग कंडीशंस आपकी चेंज करी गई, यानी कि आपकी इम्प्रूव करी गई, तो उससे जो एक्सपेक्टेशन थी वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की थी, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। व्हेन लाइटिंग कंडीशंस वर मेड वर्स, देयर वाज आल्सो अ टेंडेंसी फॉर प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज इन द टेस्ट ग्रुप। तो लाइटिंग फैसिलिटी अच्छी की गई तब भी कोई रिजल्ट आपका डिफरेंट नहीं निकला, लाइटिंग टेंडेंस आपकी कंडीशंस बुरी की गई तो भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बड़ी नहीं। नेक्स्ट,
To compound the mystery, the control group's output also rose over the course of studies, even though it experiences a change in illumination. Obviously, something besides lighting was influencing the workers' performance. तो आपका जो control group था, अगर हम उसकी भी बात करें तो तीनों को आपका ले लिया, टेस्ट ग्रुप जो दो थे हमारे और तीसरा कंट्रोल ग्रुप था. तो लाइटिंग का इसका जो रिज़ल्ट ये निकला, उनकी लाइटिंग चेंज कंडीशंस चेंज करने से ना चेंज करने से ये निकला कि जो वर्कर्स की कंडीशन थी उसका कोई इफेक्ट लाइटिंग कंडीशन से नहीं था. उनकी परफॉर्मेंस पर लाइटिंग इफेक्ट का कोई भी आपका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था. और इसके अलावा कोई और चीज़ थी जो क्या थी, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रही थी, तो ये चीज़ पता लगाई गई सबसे पहले. Now, in a new set of experiments, a small group of workers was placed in a separate room and a number of variables were altered. तो अब now दूसरा experiment किया गया, lighting experiment तो flop हुआ, उससे कोई result नहीं निकला. अब दूसरे experiment में क्या किया गया, आपका जो workers का group था उसमें से एक small group लिया गया और उनको एक separate room में क्या किया गया, ले जाया गया. और उसके अलावा कई सारे जो वेरिएबल्स थे उनको चेंज किया गया, जैसे कि अब कौन कौन से वेरिएबल्स चेंज किए गए, लाइक वेजेस वर इंक्रीज्ड, उनकी जो वेजेस थी वो बढ़ा दी गई, रेस्ट पीरियड ऑफ वेरिंग लेंथ वर इंट्रोड्यूस्ड, और उनके जो रेस्ट पीरियड थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए. अब रेस्ट पीरियड अलग अलग थे, किसी को एक घंटे रेस्ट, किसी को दो घंटे रेस्ट, किसी को 15 मिनट रेस्ट, किसी को आधे घंटे रेस्ट, तो अलग अलग लेंथ के रेस्ट पीरियड इंट्रोड्यूस किए गए. The work days and the work weeks were shortened. आप काम करने के जो दिन थे और आपके जो हफ्ते थे उनको भी कम किया गया. तो ये changes क्या थे, जो variable आपके number of changes were introduced, ठीक है, इस experiment में. Now the researchers who allowed the group to choose their own rest periods to have say in other suggested changes, again the results were ambiguous. अब क्या हुआ, जो रिसर्चर थे उन्होंने जिन्होंने अलाउड किया था ग्रुप को कि अपनी मर्ज़ी का आप रेस्ट पीरियड चूज़ करो, अपनी मर्ज़ी की वर्क डे चूज़ करो, अपनी मर्ज़ी का वर्क वीक चूज़ करो, तो उसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका रिज़ल्ट भी एम्बिगुअस था, यानी कि आपका कोई श्योरिटी वाला नहीं था, बायस था. Performance tended to increase over time but it also rose and fell erratically. तो जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया गया था कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव होनी चाहिए थी, तो परफॉर्मेंस क्या हुआ, पहले इम्प्रूव हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर गिरने लगी. तो मतलब वही था, ज़िगज़ैग मूवमेंट था, पहले बढ़ रही थी घट रही थी, तो उसका कोई परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं आया इतना अच्छा. पार्ट वे थ्रू द सिक्स सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एल्टन मायो, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, एल्टन मायो, ही इज़ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस एक्सपेरिमेंट. 1880 to 1949 and some associates from Harvard including Fritz J. Rothlisberger and William J. Dixon became involved. तो ये सारे लोग थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, बेसिकली कंडक्ट किया. एल्टन मायो, फ्रिट्स जे रोथलिसबर्जर, ये थोड़ा नेम डिफरेंट है आपका, डिफ़िकल्ट रहेगा, फ्रिट्स जे रोथलिसबर्जर एंड विलियम जे डिक्सन, ठीक है. तो ये सारे हार्वर्ड ग्रेजुएट्स थे, प्रोफेसर थे, एल्टन मायो प्रोफेसर थे हार्वर्ड के. तो इन्होंने ये आपका हॉथोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. सो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में. इन दीज एंड सबसिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स, मायो एंड हिज एसोसिएट्स डिसाइडेड दैट अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ एटीट्यूड्स लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. तो फाइनली जब आपके ये सारे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो मायो ने और उनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने पाया कि जो एटीट्यूड था आपका वर्क का और उनके सुपरवाइजर्स का, मैनेजर्स का, तो वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में. दे हैड बीन सिंगल्ड आउट फॉर स्पेशल अटेंशन, सो बोथ द रेस्ट एंड कंट्रोल ग्रुप्स हैड डेवलप्ड अ ग्रुप प्राइड दैट मोटिवेटेड देम टू इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस. Sympathetic supervision had further reinforced their motivation. The researchers concluded that employees would work harder if they believed management was concerned about their welfare and supervisor paid special attention to them. तो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए आपके, उस पर आपका क्या था, जो भी ग्रुप थे उनको अलग अलग करके रखा गया, जिससे क्या हो सके, उनकी परफॉर्मेंस
आपकी प्रॉपरली चेक की जा सके। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया गया कि अगर आपका जो सुपरविज़न है यानी कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो सिंपैथेटिक हैं, सिंपैथेटिक मतलब आपके इमोशंस से वो इमोशंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा अगर वर्कर्स को लगता है कि जो उनका मैनेजमेंट है वो उनके लिए कंसर्न्ड है, उनके वेलफेयर के लिए कंसर्न्ड है, उनका जो सुपरवाइज़र है उनको स्पेशल अटेंशन देता है, तो इससे भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो जो ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उससे जो आपका ये रिज़ल्ट निकला, तो दिस फिनोमेनन वाज सबसिक्वेंटली लेबल्ड एज द हॉथोर्न इफेक्ट। और इस इफ़ेक्ट को आपका किया है, इस फिनोमेनन को आपका बोलते हैं हॉथोर्न इफेक्ट, जिसपे क्या होता है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है जस्ट बिकॉज दे थिंक देयर मैनेजमेंट, देयर सुपरवाइज़र एंड देयर ओनर्स आर यू नो कंसर्न्ड अबाउट देम। जहाँ पर वो सोचते हैं कि उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो उनके लिए कंसर्न्ड है, तो उस फिनोमेनन को या उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं आपका हॉथोर्न इफेक्ट। ओके, तो दोस्तों बहुत है पढ़ने के लिए और बहुत सारा मटेरियल मैं लेके आया हूँ इस टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। नाउ और नेक्स्ट लाइन से ही, सिंस द कंट्रोल ग्रुप रिसीव्ड नो स्पेशल सुपरवाइजरी ट्रीटमेंट और एनहांसमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन बट स्टिल इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस, सम पीपल इंक्लूडिंग मायो हिमसेल्फ स्पेक्यूलेटेड दैट द कंट्रोल ग्रुप्स प्रोडक्टिविटी गेन्स रिजल्टेड फ्रॉम द स्पेशल अटेंशन ऑफ द रिसर्चर्स देमसेल्फ। तो इसके अलावा हमने जो कंट्रोल ग्रुप लिया था जिसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं किया गया, उनकी कंडीशंस एज इट इज़ रखी गई, तो उसमें भी कई सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और इसका जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुई उसका रीज़न था जो रिसर्चर्स थे वो उनको स्पेशल अटेंशन दे रहे थे, वो उनको उनकी प्रोडक्टिविटी टाइम टू टाइम मेजर कर रहे थे, तो इसका इफेक्ट देखने को मिला। इसकी वजह से जो हमारे कंट्रोल ग्रुप थे, देखिए मैंने आपको बताया था एक टेस्ट ग्रुप था जिस पर टेस्टिंग की जा रही थी, कंट्रोल ग्रुप था जिस पे आपका कोई भी तरह की टेस्टिंग नहीं थी, तो कंट्रोल ग्रुप की भी परफॉर्मेंस बढ़ी जस्ट बिकॉज दे वर गेटिंग स्पेशल अटेंशन फ्रॉम द रिसर्चर्स टीम। ओके, तो आपका अभी तक आपने जितना पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने स्लाइड्स की जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ईजिली याद रहेगा, ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे एल्टन मायो के बारे में। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया, एल्टन मायो इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, जिन्होंने आपका हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा इस एक्सपेरिमेंट में। तो एल्टन मायो के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इनका पूरा जो नाम था वो था जॉर्ज एल्टन मायो, ये आपकी बॉर्न हुए थे 1880 में, इनकी डेथ हुई है 1949 में। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट। तो आपके ये बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रेलिया में और ये क्या क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर थे और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। मायो को हम किस और एक और नाम से जानते हैं, ही इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, और इनको फाउंडर माना जाता है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का। द रिसर्च ही कंडक्टेड अंडर द रूब्रिक ऑफ द हॉथोर्न स्टडीज इन द लेट 1920s एंड अर्ली 1930s शोड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप्स इन अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एट वर्क। तो इन्होंने जो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा उसकी यू नो स्टडी से काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हुई, उससे पता चला कि ग्रुप्स का भी जो वर्कर्स का ग्रुप होता है उसका भी उनकी वर्क परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ये हम लोगों को पता नहीं चलता अगर हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, और इसका जो क्रेडिट है वो दिया जाता है किनको, हमारे मिस्टर एल्टन मायो को। He carried out a number of investigations to look at ways of improving productivity. इसके अलावा इतना ही नहीं, उन्होंने काफ़ी सारे और भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इन्वेस्टिगेशंस की थी जस्ट टू नो कि प्रोडक्टिविटी, जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो और कैसे इम्प्रूव की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एल्टन मायो के बारे में हम जान चुके हैं। अगली जो हमारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वो कंपनी थी जिस पर जहाँ पर आपका हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो ग्रे एंड बार्टन अ टेलीफोन इंडस्ट्री सप्लाई कंपनी फाउंडेड इन 1869 बाय एलिशा ग्रे एंड एरो एनोस बार्टन।
ग्रे और बार्टन थे, उन्होंने क्या करी, सबसे पहले एक टेलीफोन इंडस्ट्री जो सप्लाई कंपनी थी वो फाउंड करी 1869 में। 1879 में जो ये कंपनीज एस्टेब्लिश थी 1869 में, उसका जो नाम था वो चेंज करके रख दिया गया वेस्टर्न इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और इन 1881 व्हेन द एनुअल सेल्स हैड ऑलरेडी ग्रोन टू नियरली 1 मिलियन, द फर्म वॉज परचेज बाय द अमेरिकन बेल टेलीफोन कंपनी। और 1881 में क्या था, जब उसकी सेल काफ़ी बढ़ गई, 1 मिलियन US डॉलर तक पहुंच गई, तो इस कंपनी को एक दूसरी कंपनी ने खरीदा जिसका नाम था अमेरिकन बेल टेलीफोन कंपनी। और उसने इसका नाम चेंज करके क्या लग दिया, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एंड बिकेम बेल्स मैन्युफैक्चरिंग आर्म। ठीक है, और इसका नाम तब से चेंज होकर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हो गया, और ये जो बेल्स मैन्युफैक्चरिंग आर्म थी, बेल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका एक पर्टिकुलर क्या बन गई, मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। ओके, तो अब बात करेंगे हम अपने हॉथोर्न इफेक्ट की। क्या है हॉथोर्न इफेक्ट, इसके बारे में जानेंगे। ओके, द हॉथोर्न इफेक्ट इज़ द आइडिया दैट बिहेवियर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी अल्टर्ड बाय अ सब्जेक्ट्स अवेयरनेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्सपेरिमेंट। तो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले तो ये पता चला कि जो भी वर्कर्स होंगे या फिर जो भी आपके कैंडिडेट्स होंगे जो आपके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बदला जा सकता है। बस उन्हें इतना बता देना है कि आप एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बस इससे क्या हो जाएगा, उन्हें एक मोटिवेशन मिल जाएगा और साथ ही परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी। द इनिशियल हॉथोर्न इफेक्ट टुक प्लेस इन द हॉथोर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन द 1920s एंड 1930s। तो जो सबसे पहला आपका हॉथोर्न इफेक्ट था वो आपका किया गया वो था हॉथोर्न प्लांट में, जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का एक प्लांट है। और हम मैंने जैसे आपको बताया हॉथोर्न प्लांट कहाँ पर है, बेसिकली इट्स नियरली शिकागो USA। और जो हॉथोर्न इफेक्ट था ये नहीं कि आपका एक सिंगल आपका इन्वेस्टिगेशन करिए, एक्सपेरिमेंट किया उससे पता चला, नहीं। द स्टडीज़ वर कंपोज्ड ऑफ मेनी लॉन्ग इन्वेस्टिगेशंस इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल। तो जो हॉथोर्न इफेक्ट था ये काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता हुआ है। और इसमें कई सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो वर्कर्स के बिहेवियर पर थे, उनके एटीट्यूड्स पर थे, और इसके अलावा कई आपके वेरिएबल्स यूज़ किए गए लाइक फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स जस्ट टू प्रूव दीज इफेक्ट्स। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे। ओके, तो जो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो द हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट वर फर्स्ट कंडक्टेड इन नवंबर 1924 एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज हॉथोर्न प्लांट इन शिकागो। तो जो हमारा हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट था वो सबसे पहले कंडक्ट किया, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्ट किया गया नवंबर 1924 में। कहाँ पर किया गया था, वो थी जगह वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज, और जो प्लांट था उसका नाम था हॉथोर्न प्लांट, जिससे आपका ये हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट नाम पड़ा इसका। और जो ये प्लांट था वो कहाँ था, नियर शिकागो, ठीक है, इलिनॉय। नाउ द इनिशियल टेस्ट वर स्पॉन्सर्ड बाय द नेशनल रिसर्च काउंसिल NRC ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस। तो जो आपके जो स्टार्टिंग टेस्ट थे उसको स्पॉन्सर किया गया था नेशनल रिसर्च काउंसिल के थ्रू, ठीक है। और इन 1927 अ रिसर्च टीम फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन द स्टडीज आफ्टर द इल्यूमिनेशन टेस्ट ड्रू अन एंटिसिपेटेड रिजल्ट। तो 1927 में आपका एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से टीम भेजी गई, और जिन्होंने जो ये हॉथोर्न स्टडीज़ थी उसको क्या किया, ज्वाइन किया गया। और ये टीम तब भेजी गई थी जब आपका जो इल्यूमिनेशन टेस्ट था, जो लाइटिंग टेस्ट था, वो फेल हो गया। उसके रिजल्ट्स कैसे निकले, आपके अनएंटिसिपेटेड निकले, जो एक्सपेक्टेड थे वो नहीं निकले। नेक्स्ट पॉइंट से इज अ टीम ऑफ रिसर्चर लेड बाय जॉर्ज एल्टन मायो। आपको पता है कौन है जॉर्ज एल्टन मायो? यस, आई एम श्योर कि पता होगा। फ्रॉम दी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कैरीड आउट दी स्टडीज। तो जो पूरा हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट था उसका जो मेन आप बोलोगे क्रेडिट अगर देना पड़े तो वो जॉर्ज एल्टन मायो को जाएगा, क्योंकि जो पूरी टीम थी आपकी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की, बाकी जो अदर रिसर्चर्स थे, तो सारे एक्सपेरिमेंटेशन में किसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वो था जॉर्ज एल्टन मायो का।
Next, General Electric originally contributed funding, but they withdrew after the first trial was completed. तो स्टार्टिंग में जो GE आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कि थॉमस एडिशन की कंपनी है, उसने आपका जो फंड्स था वो कंट्रीब्यूट किया गया, लेकिन फर्स्ट ट्रायल के बाद जैसे ही फर्स्ट ट्रायल आपका कंप्लीट हुआ था एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने अपनी फंडिंग क्या कर ली, विड्रू कर ली. ठीक है, तो दीज आर गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, अपने आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है. तो लेट्स मूव, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जो हथन एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली चार पार्ट में डिवाइडेड था, चार तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे. ठीक है, तो कौन कौन से थे आपकी स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं स्लाइड में. तो सबसे पहला जो पार्ट वन था एक्सपेरिमेंट का, वो था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, जो कि आपके 1924 से 27 तक किए गए. ठीक है, तो चार पार्ट थे हॉथोन एक्सपेरिमेंट के. पहला पार्ट जो था वो था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1924 से 27 तक चला. दूसरा जो पार्ट था वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी. ठीक है, रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी जो कि 1927 से 1929 तक चली. जो पार्ट थर्ड था हमारे हॉथोन एक्सपेरिमेंट का, वो था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, जो कि 1928 से 1930 तक चली. और नंबर फोर्थ जो पार्ट था हमारा, जो कि आखिरी पार्ट था हमारे हॉथोन एक्सपेरिमेंट का, वो था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो कि 1932 में कंडक्ट किया गया. ठीक है, तो जो चौथा पार्ट था हमारा वो था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, जो कि 1932 में किया गया. अब ये क्या थे, क्या क्या चीज़ें हमने इनमें कंडक्ट करी, क्या रिजल्ट पाया, वो सारा मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो अभी हमारा पार्ट वन है जो कि एक्सपेरिमेंट का था, वो था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, जो कि 1924 से 27 तक किए गए. तो दीज एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन, दैट इज लाइटिंग, ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. तो जो हमारा पार्ट वन था एक्सपेरिमेंट लाइटिंग या फिर बोलो आप इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स का, तो उसका होल एंड सोल पर्पस था ये जानना कि जो अलग अलग लेवल होते हैं लाइटिंग के या इल्यूमिनेशन के, उसका लेबर की प्रोडक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. यानी कि अगर लाइटिंग अच्छी होगी तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइटिंग ख़राब होगी तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, या लाइटिंग मीडियम होगी तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा. द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट वॉज इंक्रीज एंड डिक्रीज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेस्ट ग्रुप. तो जो टेस्ट ग्रुप लिया गया था इस एक्सपेरिमेंट में, उसकी जो लाइटिंग फैसिलिटी थी या लाइटिंग कंडीशन थी, उसको बढ़ाया और घटाया गया जस्ट टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट ऑन प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन लाइटिंग. तो लाइटिंग घटाने बढ़ाने से उनकी प्रोडक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टेस्ट ग्रुप के, तो ये पता लगाने के लिए अलग अलग तरह के आपके क्या गए, आपके लाइट के घटने बढ़ने वाले कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए. तो सरप्राइजिंगली द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इवन व्हेन द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज. तो रिजल्ट ये निकला कई केसेस में कि आपके जो टेस्ट ग्रुप थे जहाँ पर लाइटिंग फैसिलिटीज़ आपकी काफ़ी ख़राब थी, वहाँ पर भी क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई. इट वॉज कंक्लूडेड दैट फैक्टर्स अदर देन लाइट वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इससे ये पता चला कि जो लाइटिंग फैसिलिटी थी वो उतना क्रूशियल रोल नहीं प्ले करती जितना कि अदर फैक्टर्स आपके इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में. ठीक है, तो इससे यही रिजल्ट निकला कि लाइटिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं होता वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर. ओके, तो अगली जो स्लाइड है हमारे को वो रिजल्ट और कंक्लूजन देगी. तो देख सकते हैं आप रिजल्ट, सबसे पहले हमारा क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, जो एक्सपेरिमेंट नंबर वन था, पार्ट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच इज़ इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, हायर वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन एट ऑल लाइट लेवल्स. तो आपका लाइट का लेवल कोई भी था, चाहे कम या ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ी और सेटिस्फैक्शन भी जो था लेबर का या वर्कर्स का वो भी बढ़ा. ओके, तो रिजल्ट काफ़ी आपके बायस थे, आपके क्या थे, एम्बिगियस थे. वर्कर्स प्रोडक्टिविटी वॉज स्टॉप्ड विद द लाइट लेवल्स रीच्ड मूनलाइट इंटेंसिटी. और वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, बिल्कुल रुक गई या कम हो गई जब लाइट का लेवल कितना था, बिल्कुल डिम हो गया था, मूनलाइट के बराबर हो गया था इंटेंसिटी के. नाउ कंक्लूजन जो निकलता है वो ये था कि लाइट इंटेंसिटी हैज़ नो कंक्लूसिव इफेक्ट ऑन आउटपुट. तो लाइट की इंटेंसिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आउटपुट पर. ठीक है, मतलब आप फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ पड़ेगा, पक्का श्योर नहीं था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेजर कोई भी इम्पैक्ट नहीं था लाइटिंग का वर्कर्स की परफॉर्मेंस और उनके आउटपुट पर. नाउ सेकंड, प्रोडक्टिविटी हैज़ अ साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट.
जो एक मेजर रिजल्ट और निकला हमारा, या कंक्लूजन हमारा निकला हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, वो ये था कि जो प्रोडक्टिविटी है वो साइकोलॉजिकल आपके कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स यानी कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, कितना मोटिवेट कर रहे हो अपनी टीम को, इससे जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की ओर। जो अब हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है वो है पार्ट सेकेंड, जो कि है हमारा रिले असेंबली टेस्ट और रूम स्टडी। रिले असेंबली टेस्ट, रूम स्टडी, जो कि 1927 से 1929 तक कंडक्ट किया गया था। अभी क्या था इसके बारे में जानते हैं। अंडर दीज टेस्ट टू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिक्स फीमेल टेलीफोन रिले असेंबलर्स वर सिलेक्टेड। ईच ग्रुप वॉज कैप्ट इन अ सेपरेट रूम। फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजेस वर मेड इन वर्किंग आवर्स, रेस्ट पीरियड्स, लंच ब्रेक्स एक्सेट्रा। तो जो हमारा रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी था उसमें हमने क्या करा, 6 फीमेल्स टेलीफोन रिले असेंबलर्स के दो ग्रुप्स बांटे। ठीक है, 6 फीमेल्स के दो ग्रुप बांटे। ठीक है, टेस्ट ग्रुप जिनको हम बोलेंगे, और जो हमारे टेस्ट ग्रुप थे उनको अलग अलग रूम में क्या करा गया, भेज दिया गया। और टाइम टू टाइम उनका क्या किया गया, जो वर्किंग आवर्स थे वो चेंज किए गए, उनके रेस्ट पीरियड्स चेंज किए गए, लंच ब्रेक्स चेंज किए गए। एंड दे वर अलाउड टू चूज़ देयर ओन रेस्ट पीरियड्स एंड टू गिव सजेशंस। तो उनको जब मर्जी ब्रेक लेना है, जो टाइम पे ब्रेक लेना है, तो उनको पूरी परमिशन दी गई। ठीक है, और इसके अलावा उन्हें कोई भी सजेशन देना है अपनी ओर से, उसके लिए भी उनको क्या किया गया, परमिशन दी गई। Output increased in both the control rooms. It was concluded that social relationship among workers, participation in decision making, etc. had a greater effect on productivity than working conditions. तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला, इतनी छूट देने का, इतनी लीवे देने का रिजल्ट ये निकला कि जो दोनों आपके रूम्स थे, यानी कि दोनों हमारे जो टेस्ट ग्रुप थे, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हुई, बड़ी। यानी कि हमारा जो आउटपुट था वो बड़ा। अब इससे जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो वर्कर्स के बीच में सोशल रिलेशनशिप होता है, जो उन्हें पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाता है डिसीजन मेकिंग में, उसका बहुत मेजर इफ़ेक्ट होता है उनकी प्रोडक्टिविटी पर एज़ कम्पेयर टू द वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन कैसे भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको जो पार्टिसिपेशन करने दिया जाता है डिसीजन मेकिंग में, इसके अलावा और उनको जो एक अच्छा सोशल रिलेशनशिप दिया जाता है अमंग देयर टीम, तो इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट पे। चलिए अब एक एक करके रूम वन और रूम टू की बात करेंगे। तो रूम वन की बात करेंगे, रिले असेंबली रूम वन, मैनिपुलेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू मेजर इफेक्ट ऑन आउटपुट। तो क्या क्या चेंजेस लाए गए रूम वन में, तो सबसे पहले इंसेंटिव्स दिए गए, पे इंसेंटिव्स। ईच गर्ल्स पे वॉज बेस्ड ऑन दी अदर 5 इन द ग्रुप। ठीक है, लेंथ ऑफ द वर्क डे एंड वर्क वीक, 5 PM, 4:30 एंड 4 PM, यूज़ ऑफ रेस्ट पीरियड्स, 2 5-minute ब्रेक एंड कंपनी स्पॉन्सर्ड मील, मॉर्निंग कॉफ़ी एंड सूप अलॉन्ग विद सैंडविच। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपकी रूम वन में प्रोवाइड की गई। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, हायर आउटपुट एंड ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। आपका आउटपुट बढ़ा और जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन था वो भी बढ़ा। और कंक्लूजन इससे क्या निकाला गया कि पॉजिटिव इफेक्ट्स इवन विद नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, वर्कर्स आउटपुट विल इंक्रीज एज अ रिस्पॉन्स टू अटेंशन। तो इससे ये निकला कि चाहे कितना भी आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट हो वहाँ पे, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या था, पॉजिटिव, तब जब वर्कर आपके क्या हैं, उनको प्रॉपर अटेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो जब प्रॉपर अटेंशन प्रोवाइड की जाएगी तो वर्कर्स का जो आउटपुट है वो उसके रेस्पॉन्स में बढ़ेगा। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स वर क्रिएटेड विद इन द टेस्ट ग्रुप, वर्कर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नीड फॉर रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हुआ, वो क्रिएट हो गया टेस्ट ग्रुप के बीच में, और जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या था, अपनी परफॉर्मेंस और आपकी बढ़ाई, जिससे कि क्या मिल सके, उन्हें रिकॉग्निशन मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल सके। ठीक है, तो ये थे आपके रूम नंबर वन के आपके रिले असेंबली टेस्ट के कुछ पॉइंट्स। अब बात करेंगे रूम नंबर टू।
टू की, तो रिले असेंबली रूम टू की हम बात करेंगे नाउ। मेजर्ड इफेक्ट ऑन आउटपुट विद कॉम्पेंसेशन रेट, स्पेशल ऑब्जर्वेशन रूम दिया गया फर्स्ट सेशन। रिले असेंबलर्स चेंज फ्रॉम डिपार्टमेंटल इंसेंटिव टू स्मॉल ग्रुप इंसेंटिव। और जो सेकेंड सेशन किया गया उनको ये था कि एडजस्टेड बैक टू लार्ज ग्रुप इंसेंटिव। तो सबसे पहला जो था ऑब्जर्वेशन रूम में जाके ये किया गया, जो पहले सेशन में ये था जो भी हमारे रिले असेंबलर्स थे उनका जो डिपार्टमेंटल इंसेंटिव था वो छोटा कर दिया गया, फिर उसके बाद उसको लार्ज ग्रुप इंसेंटिव में कन्वर्ट कर दिया गया। अब रिजल्ट ये था कि स्मॉल ग्रुप इंसेंटिव रिजल्टेड इन हाईएस्ट सस्टेंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन 112% ओवर स्टैंडर्ड आउटपुट बेस। तो जो स्मॉल ग्रुप इंसेंटिव था वो क्या हो गया, अब ग्रुप इंसेंटिव कर दिया गया और वो था छोटा, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी एंड आउटपुट ड्रॉप टू 96.2% ऑफ द बेस इन सेकेंड सेशन। और सेकेंड केस में हमारा जब मतलब एक बड़ा ग्रुप कर दिया और उसको इंसेंटिव देना शुरू कर दिया तो उससे हमारा आउटपुट गिरा। तो कंक्लूजन ये निकला कि पे रेलेवेंट टू आउटपुट बट नॉट दी ओनली फैक्टर। जो अमाउंट था या इंसेंटिव था उसका भी काफ़ी क्रूशियल रोल होता है क्या करने में, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव और इम्प्रूव करने में बेसिकली, ठीक है। तो रूल नंबर टू से हमारी ये ऑब्जर्वेशन निकली। लेकिन यहाँ भी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर थे यानी कि सिर्फ पेमेंट ही नहीं, इसके अलावा जो ग्रुप था, ग्रुप में लोगों के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन था वो भी क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा उसने फर्स्ट सेशन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। ओके नाउ विल टॉक अबाउट आर पार्ट थर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 1928 से 1930 तक चला, ठीक है। तो पार्ट थर्ड जो कि है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, सो क्या था ये पढ़ते हैं इसके बारे में। 21,000 एम्प्लॉयज वर इंटरव्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स टू फाइंड आउट रीजन्स फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारा ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था इसमें लगभग 21,000 एम्प्लॉयज जो थे उनका इंटरव्यू किया गया 3 साल के अंदर अंदर। और इस इंटरव्यू का जो रीज़न था वो ये पता लगाना था कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ी। तो इट वॉज कंक्लूडेड दैट प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड इफ़ वर्कर्स आर अलाउड टू टॉक फ्रीली अबाउट मैटर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू देम। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट था इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स के बीच वो इंक्रीज होती है अगर उन्हें आपस में क्या है फ्रीली बात करने दी जाती है अबाउट द मैटर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू देम। अगर कोई भी मैटर जो उनसे इम्पोर्टेंस रखता है जो उनकी ग्रोथ या फिर उनके यू नो फिनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में अगर उन्हें फ्रीली बात करने दी जाती है और उन्हें डिसीजन मेकिंग में भी एक क्रूशियल रोल दिया जाता है तो इससे क्या होता है उनका मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है दैट मीन्स आउटपुट भी बढ़ता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका ये पता लगाया गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट के। तो कंडक्टेड अबाउट 20,000 इंटरव्यूज, ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन व्हिच कुड बी यूज्ड टू इंप्रूव सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। और इसका जो ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं था कि पता लगाना कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, इसके अलावा ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो सुपरवाइज़र्स होंगे आपके उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको कैसे ट्रेन किया जाए। तो इनिशियली यूज़ द मेथड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चनिंग एंड चेंज टू नॉन डायरेक्टिव। तो जब ये आपका एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था तो उस टाइम पर जो इनिशियल फेज़ में आपके इंटरव्यूज़ हुए वो थे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग से रिलेटेड, इसके बाद वो नॉन डायरेक्टिव आपके कर दिए गए थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं है आपको, बस ये मोटे मोटे पॉइंट्स याद रखिएगा, इट्स इनाफ टू फ्रेम अ गुड आंसर। अब इसका रिजल्ट क्या था, मेयरली गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक एंड एक्सप्रेस ग्रीवियंसेज वुड इंक्रीज द मोरल। अगर सबसे पहला रिजल्ट ये निकला कि अगर एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दी जाती है फ्रीली अपनी बातें एक्सप्रेस करने की, अपने ग्रीवियंसेस एक्सप्रेस करने की, तो इससे जो उनका मोरल है, जो इससे इनका कंपनी के प्रति गुडविल है, जो आपका डेडिकेशन है वो बढ़ती है, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग पॉइंट सेज कि अगर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में आपका क्या है आप ऑथराइजेशन देते हो, उनको फ्रीली टॉक और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका देते हो, उनके ग्रीवियंसेस सुनते हो, तो उस केस में उनका मोरल बूस्ट होता है और मोरल बूस्ट होने की वजह से प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और सेकंड जो हमारा पॉइंटर रिजल्ट का वो ये है, कंप्लेंट्स वर सिम्टम्स ऑफ डीप रूटेड डिस्टर्बेंस। तो जो कंप्लेंट्स आती हैं वो उनसे ये पता चला गया कि
जो कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये छोटी छोटी बातों पर जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को, तो क्या होती हैं वो बड़ा आपका एक सीरियस ग्रीवियंस बन जाता है लेटर ऑन। तो कंप्लेंट्स क्या है, छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे इश्यूज़ पर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिलना होता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डीप रूटेड डिस्टर्बेंसेस। वर्कर्स आर गवर्न बाय एक्सपीरियंस ऑब्टेंड फ्रॉम बोथ साइड इनसाइड एंड आउटसाइड द कंपनीज। तो वर्कर्स जो होते हैं वो दोनों से ही आपके दोनों तरह के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हैं और उसी हिसाब से अपनी पर्सपेक्टिव बनाते हैं। अब वो आपके एक्सपीरियंस कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं और कंपनी के बाहर से भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ एक्सपेरिमेंट फोर की बात करेंगे, पार्ट फोर ऑफ आर एक्सपेरिमेंट विच इज़ बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, जो कि कंडक्ट किया गया था 1932 में। अ ग्रुप ऑफ 14 मेल वर्कर्स इन द बैंक वायरिंग रूम वर प्लेस्ड अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 6 मंथ्स। तो 14 आपके मेल वर्कर्स थे, क्या किया गया उन्हें बैंक वायरिंग रूम में रखा गया और लगभग 6 महीने तक उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा गया था रिसर्चर्स की टीम के थ्रू। वर्कर्स पे डिपेंडेड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल, और जो वर्कर की जो पेमेंट थी वो डिपेंड कर दी गई पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे। तो द रिसर्चर्स थॉट दैट द एफिशिएंट वर्कर्स वुड पुट प्रेशर ऑन द लेस एफिशिएंट वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क। तो जो रिसर्चर्स थे उनका अजम्पशन यही था कि जो एफिशिएंट वर्कर्स थे वो क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे लेस एफिशिएंट वर्कर्स पर कि वो काम करें। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पर पेमेंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो कम काम करते हैं उन पर प्रेशर डालेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि काम पूरा हो और उन्हें जो पेमेंट है वो पूरा मिले और ज़्यादा ही मिले उससे। ठीक है, तो ये रिसर्चर्स की अजम्पशन थी कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन पर प्रेशर किया जाएगा एफिशिएंट वर्कर के थ्रू काम कंप्लीट करने के लिए। हाउएवर इट वाज फाउंड दैट द ग्रुप एस्टेब्लिश्ड इट्स ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट एंड सोशल प्रेशर वॉज यूज टू अचीव द स्टैंडर्ड्स ऑफ आउटपुट। लेकिन इसका रिजल्ट ये निकला कि जो ग्रुप था उन्होंने अपना अलग ही स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर लिया। ठीक है, और सोशल प्रेशर था सबके ऊपर कि उन्हें कितना अपना आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव करना है। ठीक है, सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन इफेक्टिवली दिया, किसी ने किसी को ज़्यादा प्रेशर नहीं किया। जो ज़्यादा कर सकते हैं, इफेक्टिव हैं, उनको और थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए बोला गया। जो नॉन इफेक्टिव थे उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर टू देयर प्रीवियस वन इम्प्रूव करी। तो काफ़ी क्रूशियल रिजल्ट्स निकले, लेट्स टॉक अबाउट इट फर्दर। नाउ क्या क्या हुआ, तो लिमिटेड चेंजेस टू वर्क कंडीशंस, तो जो कंडीशन वर्क कंडीशंस थी उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। अब जो चेंजेस किए गए वो थे सेग्रीगेटेड वर्क एरियाज, जो उनके वर्किंग एरियाज थे वो अलग कर दिए गए। मैनेजमेंट की कोई विजिट नहीं कराई गई, सुपरविजन वुड रिमेन द सेम, जितना सुपरविजन होता था उतना ही करा गया। एंड ऑब्जर्वर वुड रिकॉर्ड डेटा ओनली, नो इंट्रैक्शन विद वर्कर्स, और जो ऑब्जर्व करने वाले या रिसर्चर्स की टीम थी उन्होंने सिर्फ डेटा एंटर करनी थी, इसके अलावा वर्कर्स के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करना था। और इसके अलावा जो सेकेंड थिंग की गई वो थी स्मॉल ग्रुप पे इंसेंटिव, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, नो अप्रिशिएबल चेंजेस इन आउटपुट। तो चेंज आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं दिखा इन कंडीशंस के साथ में। कंक्लूजन ये था कि प्री एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस नॉर्म्स, जो आपके पुराने नॉर्म्स चल रहे थे परफॉर्मेंस के वही थे। ग्रुप डिक्टेटेड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, सिस्टमिक सोल्डियरिंग, वर्क ग्रुप प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट चेंजेस। तो बेसिकली इतना कुछ खास इसमें चेंज नहीं दिखा आपके इन सारी कंडीशंस के साथ। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला हॉथोर्न स्टडीज़ या एक्सपेरिमेंट का। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, द कंक्लूजन्स डिराइव फ्रॉम हॉथोर्न स्टडीज़ वर एज फॉलोज। द सोशल एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, ओनली गुड फिजिकल वर्किंग कंडीशंस आर नॉट इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो आपका कंक्लूजन निकला वो ये था कि जो भी वर्कर्स आपके यहाँ पे काम कर रहे होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में और उनको जॉब सेटिस्फैक्शन देने में सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सिर्फ वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करना इनफ नहीं होता उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, जो वर्कर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने और जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने में सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सिर्फ अच्छी वर्किंग कंडीशन दे देना काफ़ी नहीं है उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए।
Now the second point says the informal relations among workers influence the workers' behavior and performance more than the formal relation in the organization. तो दो तरह के relations होते हैं organization में, एक formal एक informal. Formal basically आपका जो कि organization structure के through बनता है. तो formal relation उतना क्रूशियल रोल प्ले नहीं करता वर्कर्स के बीच में जितना है कि इनफॉर्मल रिलेशन. अगर इनफॉर्मल रिलेशन स्ट्रांग होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके वर्कर्स के बिहेवियर और उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयज विल परफॉर्म बेटर इफ दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट. तो अगर एम्प्लॉयज को मौका दिया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का तो इससे भी उनका मोरल बूस्ट होता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट, तो एम्प्लॉयज़ सिर्फ चाहते हैं कि जो भी मैटर उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो उनमें क्या हो, उनकी एक सेइंग हो, उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपने यू नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर पाएँ. अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ये मौका देती है तो ऑब्वियस ही बात है जो उनका मोरल है और वो बूस्ट होता है और जो प्रोडक्टिविटी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. Next point says employees will also work more efficiently when they believe that the management is interested in their welfare. तो अगला point ये काफ़ी important है, जो employees हैं उनकी performance क्या हो जाती है, आपकी effective and efficient हो जाती है जब उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि जो management है company का वो उनके welfare में interested है, यानी कि वो उनकी care करता है. तो when they got to know that the management is interested in their welfare, the management is concerned about them, तो उस केस में जो employees की productivity है वो काफ़ी effective हो जाती है और efficient हो जाती है. Okay, now अगला point कहता है when employees are treated with respect and dignity, their performance will improve. इसके अलावा अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है, उनकी ऑनेस्टी के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उनके अच्छी वर्क परफॉर्मेंस के लिए उन्हें पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, तो इससे भी उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इम्प्रूव होती है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. आपके पांचों के पांचों पॉइंट जो हमने डिस्कस करे आपको याद होने चाहिए. ओके, नाउ दोस्तों अब पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे. तो वो है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अलोन कैन नॉट इंक्रीज द परफॉर्मेंस, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स मस्ट आल्सो बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. तो दोस्तों फाइनेंशियल जो इंसेंटिव हैं वो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, बट 100% आप उन पर बेस नहीं रह सकते. आपके कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वर्कर्स को मोटिवेट करने में, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, और वो होते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अब सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो क्या होते हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे प्रमोशन प्रोवाइड करना, आपने अच्छा काम किया तो उसके लिए रिकॉग्निशन देना, आपको अवार्ड्स प्रोवाइड कराना, साइकोलॉजिकल बेसिकली आपने अगर मान लीजिए कोई काम थोड़ा गलत कर दिया तो आपको मोटिवेट करना, कोई बात नहीं गलती हो जाती है, आपको डांटना नहीं हर चीज़ पे, छोटी छोटी बातों पे. तो ये होते हैं सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि क्या करते हैं, आपको और मोटिवेट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई गलती कर दी, ओके, एंड आई एम योर बॉस. अब गलती थोड़ी सीरियस थी तो मैंने डांटा नहीं आपको, मैंने सिर्फ समझाया कोई बात नहीं गलती होगी, एंड मैंने उस गलती को सुधार दिया, तो इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आप पर. ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कहता है गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स कैन इम्प्रूव द रिलेशंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. तो अगर सुपरवाइजर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन होती है तो इससे भी उनके रिलेशंस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है. और सिर्फ रिलेशंस ही इम्प्रूव नहीं होते, जो सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस होती है, प्रोडक्टिविटी है होती है, वो भी इम्प्रूव होती है. Next point says special attention and freedom to express their views will improve the performance of the workers. इसके अलावा अगर आपकी special attention provide की जाती है और आपका complete freedom दी जाती है workers को अपनी बातें express करने की, तो इससे भी क्या होता है, जो workers होते हैं उनकी performance में improvement होता है. तो you can see there are many things जो कि आपके psychological and social factors पर dependent हैं, और हॉथन इफेक्ट ने वही प्रूव किया जो कि बेसिकली क्या है, नॉर्मली ट्रू होता है. ठीक है, तो हॉथन एक्सपेरिमेंट बेस्ड था जिसने ये सारी चीज़ें हमें क्लैरिफाई करी. सो दोस्तों जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ थ्योरी पढ़ी थी इस टॉपिक के बारे में, अभी मैंने स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करी,
नाउ हम थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे जो कि आपकी बेसिकली बुक से रिलेटेड है एंड इट कैन बी ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस टू यू. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्चर्स ऑल्सो कंक्लूडेड दैट इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स एंड द सोशल एनवायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी. तो जो रिसर्च की गई यानी हॉथोन एक्सपेरिमेंट किया गया उससे ये कंक्लूजन निकला कि जो वर्कर्स हैं उनका जो वर्क ग्रुप है और सोशल एनवायरनमेंट है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी प्रोडक्टिविटी पर. मेनी ऑफ दी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक्स एम्प्लॉयज़ फाउंड देयर वर्क डल एंड मीनिंगलेस. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे आपके वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जिनको अपना वर्क क्या था डल लगता था और बेकार लगता था. बट देयर एसोसिएशंस एंड फ्रेंडशिप्स विद को वर्कर एंड समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अ शेयर एंटागोनिज्म टुवर्ड्स द बॉसेस इम्पार्टेड सम मीनिंग टू देयर वर्किंग लाइव्स एंड प्रोवाइडेड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट. तो अगर बात करें तो जो एम्प्लॉयज़ थे उनको अपना जो वर्क था, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनको डल लगता था, मीनिंगलेस लगता था, लेकिन अपने कोवर्कर्स के साथ में क्या था वो भूल जाते थे. ये सारी चीज़ें उन्हें मतलब याद नहीं आती थी, वो चिट चैट करते थे अपने बॉसेस के बारे में, अपने मैनेजमेंट के बारे में. तो वो क्या करता था, उनके टास्क को, उनके जॉब को और क्या बना देता था, एनरिच कर देता था, मोटिवेट करता था उन्हें. So for these reasons, group pressure was frequently a stronger influence on worker productivity than the management demand. तो इससे ये पता चला जो ग्रुप का प्रेशर है वो क्या था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट डिमांड. तो जो फाइंडिंग थी हॉथोन स्टडीज़ की वो हम देख लेते हैं क्या है. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फिजिकल एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस डू नॉट हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. तो जितना भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ता वर्कर्स की एफिशिएंसी पर. सेकंड, फेवरेबल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड वर्क टीम टुवर्ड्स देयर वर्क वर मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग एफिशिएंसी. और अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, आउटपुट इम्प्रूव करना है, तो आपको अपने वर्कर्स के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक फेवरेबल एटीट्यूड होना चाहिए, और एज अ टीम यू हैव टू प्ले, अदरवाइज द एफिशिएंसी विल डिक्रीज. नंबर थर्ड पॉइंट सेज फुलफिलमेंट ऑफ द वर्कर सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हैड अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द मोरल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कमैन. तो इस पॉइंट का जो मतलब है वो ये है कि अगर वर्कर्स की साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स पूरी की जाएंगी तो उसका उनके मोरल पर और एफिशिएंसी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा वहाँ पे. एम्प्लॉयज़ ग्रुप बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शंस एंड कॉमन इन द रेस्ट एक्सरसाइज द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन वर्कर्स परफॉर्मेंस. तो जो एम्प्लॉयज़ के बीच में ग्रुप होता है उनका जो इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन अमंग ईच अदर, उसका भी एक क्रूशल रोल होता है, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है वर्कर्स की परफॉर्मेंस पर. लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो है वर्कर्स कैन नॉट बी मोटिवेटेड सोलली बाय इकोनॉमिक रिवॉर्ड. जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ आपके आप इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते रहेंगे तो उससे मोटिवेट नहीं किए जा सकते. मोर इंपॉर्टेंट मोटिवेटर्स आर जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन बाय सुपरवाइजर्स एंड राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन मैटर्स विच आर ऑफ कंसर्न टू देम. तो इसके अलावा इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स के अलावा जो फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन में और उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में, वो है जॉब सिक्योरिटी. सबसे पहला है जॉब सिक्योरिटी, दूसरा है रिकॉग्निशन बाय सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स के थ्रू उनको रिकॉग्नाइज करना उनकी परफॉर्मेंस को, अच्छी परफॉर्मेंस है तो अच्छे से रिकॉग्नाइज करना, एंड राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन मैटर्स विच आर ऑफ कंसर्न टू देम. और अगर उनकी यू नो फ्यूचर से रिलेटेड या उनके टास्क से रिलेटेड कोई आपका डिसीजन लेना होता है तो अगर वर्कर्स को पूरा मौका दिया जाता है उस बारे में डिस्कस करने का, तो इससे भी क्या होती है उनकी परफॉर्मेंस एंड मोरल बूस्ट होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ इट मस्ट बी नोटेड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच वाज टू मेक वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव, बट इट वाज एम्फसाइज्ड दैट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन वाज द बेस्ट मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. ओके, तो बात करें दोस्तों अगर हम अपना न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पर फोकस करते हैं, तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से सिर्फ आपके वर्कर्स मोटिवेटेड और आपकी मोटिवेटेड ही नहीं रहते, इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है और आपकी कंपनी की जो आउटपुट है वो भी बढ़ती है. तो एट दी एंड जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो ईजिली अचीव हो जाता है. फॉर दिस पर्पज़ इट वॉज नेसेसरी दैट मैनेजर्स मस्ट नो वाई एम्प्लॉयज़ एक्ट
एंड व्हाट सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मोटिवेट थेम। तो अगर उनका मोरल बूस्ट करना है, एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट करना है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक अच्छे मैनेजर को ये जानना हो चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय अगर नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है या पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है तो क्या क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, और कौन से साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स हैं जो कि उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जानकर मैनेजर क्या कर सकता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकता है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू क्रिएट अ सेटिस्फाइंग वर्क एनवायरमेंट इन विच पीपल मे फुलफिल देयर ओन नीड्स एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो भी आपके अटैम्प्ट होने चाहिए मैनेजर के या फिर सुपरवाइजर्स के, वो यही होने चाहिए कि एक सेटिस्फाइंग वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए सारे वर्कर्स के लिए, जिससे कि वो अपनी नीड्स तो फुलफिल कर ही सके, साथ ही साथ जो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो भी इजीली अचीव करा सकें। तो अकॉर्डिंग टू मायो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मैन मोटिवेटेड बाय सोशल नीड्स वांटिंग रिवॉर्डिंग ऑन द जॉब रिलेशनशिप्स एंड रिस्पॉन्डिंग मोर टू वर्क ग्रुप प्रेशर्स दैन टू मैनेजमेंट कंट्रोल वॉज नेसेसरी टू कॉम्प्लीमेंट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल मैन मोटिवेटेड बाई पर्सनल इकोनॉमिक नीड्स। तो मायो ने जो आपकी प्रीवियस थ्योरीज चल रही थी जिसमें क्या था, माना जाता था जो ओल्ड हमारे कॉन्सेप्ट थे कि एक रेशनल मैन, एक विवेकी बंदा, एक दिमागदार बंदा क्या होता है, वो इकोनॉमिक रिवॉर्ड से मोटिवेट होता है, उसको पैसा जहाँ दिखेगा वो मोटिवेट हो जाएगा। तो ये था हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पर ये सोचा जाता था कि पैसे से आप कुछ भी करा सकते हो, किसी से जो चाहे जो काम कराना चाहो आप करा सकते हो। तो मायो के हिसाब से जो था वो बिल्कुल अलग था। जो नई थ्योरी उन्होंने डेवलप करी उसमें ये था कि आप एक बंदे को, सिंस वी आर अ सोशल एनिमल, तो आप किसी भी ह्यूमन बींग से काम कराना चाहो या वर्कर से काम कराना चाहो, एम्प्लॉय से काम कराना चाहो, तो उन्हें आपको सोशली मोटिवेट करना पड़ेगा। जो उनकी सोशल नीड्स हैं, सोशल वांट्स हैं, सोशल रिवॉर्ड्स हैं, उनको पूरा कीजिए। इससे क्या होगा, वो आपका मोटिवेट होकर और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे। All these findings might seem unremarkable today. The neoclassical theory examines in details and has made significant contributions in the field of human relations for structural adjustment in an organization. The contribution of the neoclassical theorist can be categorized as the modification of the classical theory. Not that much important. So, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Okay, तो अब थोड़ा सा रह गया आगे और इसको भी फिनिश करते हैं। Now, the theory recognizes the importance of coordination and communication for motivation of human resources. बात करें तो जो हमारी थ्योरी थी, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट बोल लो या हॉथोर्न थ्योरी बोलो या फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी बोल लो, तो इसने फाइंड आउट किया, रिकग्नाइज किया कि आपस में कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन का कितना क्रूशियल रोल होता है ह्यूमन मोटिवेशन में। More attention was given on fatigue and monotony than division of labor. They are of the view that if human beings are not treated well, human problems arises. तो जो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी थी उसने ये फाइंड आउट किया और पता आपका वेल डिस्क्राइब किया कि अगर ह्यूमन बीइंग्स को, यानी कि ह्यूमन को ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, प्रॉपरली डिग्निटी के साथ नहीं ट्रीट किया गया, रिस्पेक्ट के साथ नहीं ट्रीट किया गया, वहीं से आपकी ह्यूमन प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अथॉरिटी डज नॉट कमेंसुरेट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन और डिसफंक्शनैलिटी। द न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट व्यू दैट पार्टिसिपेशन, रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड कम्युनिकेशन आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो जो हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी थी उसमें आपका ये क्लियरली डिफाइन किया गया, जो वर्कर्स के बीच में पार्टिसिपेशन है, जो ह्यूमन डिग्निटी का रिकग्निशन है और प्रॉपर कम्युनिकेशन है, ये आपके कॉर्नर स्टोन्स हैं किसी एफिशिएंट मैनेजमेंट के। Simultaneously, the role of informal organization should not be undermined in the formal setting of the organization. तो एक organization में जैसे कि दो groups होते हैं, एक हमारा formal और एक informal group, तो अगर formal group important है किसी organization के लिए तो उससे ज़्यादा informal आपका group बहुत ज़्यादा important हो जाता है किसी organization के लिए।
The neoclassical theory is a definite improvement over the classical theory. तो obvious सी बात है, neoclassical theory काफ़ी improved version था classical theory का. It explains various new variables and concepts like informal organization. इसमें कई सारे concepts को बहुत अच्छे से define किया गया. साइकोलॉजिकल एंड आपके सोशल फैक्टर को कंसीडर किया गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया गया, जो कि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में. हाउएवर द न्यू क्लासिकल व्यू पॉइंट हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ टू मच सिनिकल पपेटियरिंग ऑफ पीपल, अ शॉर्ट साइटेड पर्सपेक्टिव एंड लैक ऑफ इंटीग्रेशन अमंग मेनी फेसेट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. लेकिन इसके साथ जितना आपका इसका बेनिफिट था उतना ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला न्यू क्लासिकल थ्योरी को. और कई लोगों ने इसको बोला कि काफ़ी ज़्यादा आप ह्यूमन बींग्स पर फोकस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आप कंसीडरेशन दे रहे हैं. तो ये चीज़ें भी आपको देखने मिली. बट अगर मैं बात करूँ, माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट कि न्यू क्लासिकल थ्योरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी, बिकॉज ये ही आपको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेगी. अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, अगर वो आपकी कंपनी से खुश हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आजकल आप देख सकते हो इतने सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं जो आपको प्रूव कर देंगे कि हाँ, आपस में सपोर्ट बहुत लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रहता है. ओके, तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश हो गया है. अब नए टॉपिक के साथ आपको मिलूँगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए. एग्ज़ाम्स नियर आ रहे हैं तो और प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए. नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई एम विद यू ऑलवेज. आई ट्रस्ट यू. ओके, थैंक यू सो मच.